आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। राव नगर परिषद अध्यक्ष शिव नारायण ने डिंगू के जन्मदिवस पर अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन एवं मालवा के रत्न सम्मान समारोह स्टेशन रोड राव पर आयोजित किया गया। भाजपा राव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों के साथ बड़ी संख्या में नागरिक गण उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती के संयोजन में एवं नगर परिषद राव के अध्यक्ष शिव डिंगू व भाजपा राव नगर अध्यक्ष सुरेंद्र मंडले के सह संयोजन में रात्रि 9 बजे शुरू हुए कवि सम्मेलन का देर रात्रि तक श्रोताओं ने लुत्फ उठाया। राव के ही निवासी कवि अतुल ज्वाला ने सूत्रधार के रूप में कवि सम्मेलन का शानदार संचालन किया। इस अवसर पर अलवर राजस्थान से विनित चौहान, खरगोन से डॉक्टर श्री शंभु मनहर, धार से जानी बैरागी, उज्जैन से दिनेश दिग्गज, मुंबई से हिमांशु बवंडर, इटावा उत्तर प्रदेश से गौरव चौहान, मथुरा से कवित्री पूनम वर्मा एवं नीमच से डॉक्टर श्रीमती प्रेरणा ठाकरे ने सुमधुर कविताओं एवं रचना पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन के पूर्व राव नगर परिषद अध्यक्ष शिव नारायण डिंगू का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी कवि सम्मेलन में पहुंचकर राव नगर परिषद अध्यक्ष शिव नारायण डिंगू को जन्मदिन की बधाई दी। खूब प्रचार प्रसार चालू कर दिया, चुनाव आगे बढ़ गए, ये टेंशन नहीं था, था कि जहां से वो पार्षद का वो सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई। जो बनना चाह रहे थे उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा करा, लेकिन ये YouTube और Facebook और सोशल मीडिया की संस्कृति वही की वही रही। फोटो तो लग गया बहन जी का और नीचे जो लाइनें थी वो भाई साहब की, युवा दिलों की धड़कन। 15-20 मिनट के लिए इन बड़े लोगों की अगवानी में खड़ा हूं, पर्यावरण बचाओ चला, मैंने भी पेड़ लगाए, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। 4 तारीख को मजिस्ट्रेट को समझा के आया कि गांजे का पेड़ भी तो पेड़ ही होता है। पहले बच्चों को पढ़ाता था, एक बच्चे को खड़ा करा, मैं उनका बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या करेगा, बोले नहीं मालूम। मैंने दूसरे को उठाया, मैंने कहा तू क्या करेगा, बोले मैं चांद पे जाऊंगा। मैंने कहा सीख इससे, ये चांद पे जाएगा, बोले मास्टर जी क्या चांद पे जाएगा, ढंग से बाप पे तो गया नहीं। ये पिछले 12 वर्षों से कार्यक्रम विगत चला आ रहा है। ये जो कार्यक्रम है राव की जनता कवियों को समर्पित रहता, सिर्फ मेरा जन्मदिन का एक बहाना रहता है कि जन्मदिन के अवसर पर कवि सम्मेलन होता है, लेकिन मैं कवि सम्मेलन के अवसर पर मेरा जन्मदिन मनाता हूँ, क्योंकि कवि सम्मेलन का स्तर कहीं ना कहीं कम होते जा रहा था। तो मुझे आदरणीय हमारे मालवा के रत्न वो सबके गौरव सत्यनारायण सत्यन जी ने मुझे एक बार जब एक कार्यक्रम की शुरुआत नहीं थी जब मुझे कहा था कि सब कुछ तो ठीक है पर कुछ कवियों के लिए भी कुछ करो, एक ऐसा आयोजन होना चाहिए ग्रामीण में जो पूरे मध्य प्रदेश में छाप छोड़े, तो उनके आदेश अनुसार मैं पिछले 12 वर्षों से यह कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी आने वाले हैं, सांसद श्री शंकर लालवानी जी आ गए हैं, मधु वर्मा जी, जीतू जिराती जी, प्रदेश की महामंत्री कविता पाटीदार जी भी आके चले गए, और हमारे जिले के कप्तान राजेश सोनकर जी भी इस कार्यक्रम की शुभारंभ करके महू एक कार्यक्रम का समापन करके करने गए, वो वहाँ से आने वाले हैं।
लोगों का तो मुझे असीम प्रेम मिलता है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग मेरे जन्मदिन के अवसर पर नहीं आते, ये सिर्फ यहाँ आनंद और कवि सम्मेलन सुनने आते हैं। आज यहाँ पर कहाँ कहाँ से कवि आए? विशेष देश के जाने माने कवि यहाँ आए, विनीत चौहान जी, जानी बैरागी जी, और सफल संचालन जो कर रहे हैं अतुल ज्वाला जी जो राव के ही हैं, और ये जो कवि सम्मेलन का जो आयोजन है उसके सूत्रधार आदरणीय अतुल ज्वाला जी करते हैं।